की तीसरी लहर से बचाव के लिए 60 वर्ष से अधिक उम्र के गंभीर नागरिकों के साथ ही हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्करों को बूस्टर डोज देने की शुरुआत सोमवार को हुई पहले दिन जहां शहर में दो वरिष्ठ फ्रंटलाइन वर्कर और स्वास्थ्य कर्मियों ने टीका लगवाया वहीं ग्रामीण में 661 बूस्टर डोज लिया जिले में दो को बूस्टर डोज लगा कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए गंभीर रूप से बीमार वरिष्ठों के साथ ही हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्करों को बूस्टर डोज लगाने का निर्णय राज्य और केंद्र सरकार ने लिया बूस्टर डोज के प्रति शहर में वरिष्ठ नागरिकों में अच्छा उत्साह दिखा शहर के एक सौ स्थायी केंद्रों में कोविशील्ड उन्तीस केंद्रों पर कोवैक्सीन लगाया गया पांच पब्लिक केंद्र से बूस्टर डोज लगाने की शुरुआत हुई वरिष्ठ नागरिकों को डॉक्टर की सलाह पत्र पेश करने के बाद ही टीका लगाया जा रहा है इसी बीच 15 से 18 वर्ष के लाभार्थियों को जल्द से जल्द कोवैक्सीन लगवाने की अपील मनपा आयुक्त राधा कृष्णन बी और महापौर दयाशंकर तिवारी ने की है कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पानसी बी न्यूज नागपुर